नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम बातचीत करेंगे स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट की कल की रणनीतियों के ऊपर डिस्कशन करने के पहले हमने आज के लिए क्या रणनीतियां बनाई थी, क्या निफ्टी के, बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस लिए थे, क्या थे हमारे मैजिकल फिगर्स, कौन से स्टॉक्स हमारी होल्डिंग पर थे और कौन से स्टॉक्स में आज एग्जीक्यूशन हुआ, सबका ओवरव्यू करेंगे छोटे से वीडियो में और एकदम आसान भाषा में। फिर बात को आगे बढ़ाएंगे कल के लेवल्स के लिए। निफ्टी के, बैंक निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करेंगे, मैजिकल फिगर्स की बातचीत करेंगे और बातचीत करेंगे कौन से स्टॉक को कल खरीदा या बेचा जा सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग स्टॉक मार्केट में क्या हो सकता है कल टेंटेटिव, वो सब जान जाते हैं। ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन से स्टॉक्स को लेके बेच सकते हैं, कौन से स्टॉक को बेच के ले सकते हैं, सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिल जाती है। चलिए पहले बात करूंगा मैं। अच्छा, आज सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने लोअर लेवल पे अपने इस वीडियो को देखकर इन्वेस्टमेंट किया है। पूरे वीडियोस देख लीजिए, बार बार आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि नीचे लिया हुआ माल काटना नहीं है, चाहे मार्केट में कैसे भी सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हो, और बार बार ये कह रहा था कि माल लेते जाओ। बहुत सारे स्टॉक सजेस्ट किए लॉन्ग टर्म के हिसाब से, और आशा करता हूँ कि सब लोग पैसे बना रहे होंगे। अगर पैसे बना रहे हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, थोड़ा सा हम भी खुशी का लुफ्त उठा लें। बात करूंगा निफ्टी की। निफ्टी का आज सपोर्ट लेवल लिया था, सपोर्ट रेजिस्टेंस, खतरनाक तरीके से गैप अप ओपनिंग हुई। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कोई महत्व ही नहीं रहा। 15,100 का रेजिस्टेंस लिया था, 15,175 का इसने हाई पोस्ट किया है, 15,151 के आसपास क्लोज हुआ है, 15,072 का लो पोस्ट किया है, जैसे कि इसने कभी नीचे आना ही नहीं है। 14,815 का मैजिकल फिगर था। बाजार 15,000 के ऊपर खुले, 15,100 के नजदीक, और वहीं 50 पॉइंट बढ़े, ना कोई करेक्शन आया, ना कोई बहुत जबरदस्त कोई तेजी आई, गैप अप ओपनिंग हुई, 50-70 पॉइंट का मूवमेंट दिया और बाजार अच्छे पॉजिटिव नोट पे क्लोज हुआ है। कल के लिए इसके सपोर्ट नजर आ रहे हैं 15,015, 14,980, 15,205 का पहला रेजिस्टेंस, 15,410 का दूसरा रेजिस्टेंस। मैजिकल फिगर लास्ट में डिस्कस करूंगा, और मैजिकल फिगर के आधार पर आप लोगों को बताऊंगा कि कल क्या लगता है। मैजिकल फिगर में भी जबरदस्त बदलाव है, थोड़ा सुन के जाइएगा। बात करूंगा बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का सपोर्ट लेवल लिया था 33,750 का पहला रेजिस्टेंस लिया था, पहले भी बताया है, आज फिर से बताता हूं जो मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं। रेजिस्टेंस के अगर बाजार ऊपर खुल जाए तो वो उसके लिए बन जाता है सपोर्ट, यानी ये रेजिस्टेंस था, बाजार यहां खुल गए तो ये इसके लिए बन गया सपोर्ट। 33,801 का लो पोस्ट किया है, 33,750 का जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस था, वो बन चुका था सपोर्ट। रेजिस्टेंस लेवल लिया था 33,930 का, और आज का हाई पोस्ट हुआ है 34,244 का, 34,045 के आसपास क्लोजिंग आई है। कल के लिए इसका सपोर्ट नजर आ रहा है 33,930, 33,740, 34,460 का पहला रेजिस्टेंस, 34,790 का दूसरा रेजिस्टेंस। मैजिकल फिगर निफ्टी के पास आज डिस्कस करूंगा। तो ओवरऑल अगर आज की रेंज देखी जाए तो हायर रेंज पे निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी ने भी ट्रेड कराया, जिन्होंने लोअर लेवल में लिया होगा माल उनकी आज लॉटरी लग गई। और मैं कल ही के वीडियो में कहा था कि हो सकता है बाजार अब लोअर स्तर पे जाना टफ हो जाए, इनफैक्ट 680 के नीचे का मैं एक्सपेक्ट करना बंद कर दिया था कल से। फ्राइडे को मुझसे गलती हो गई थी, इतने लंबे टाइम का पेशेंस छोड़ दिया था और एक स्टेटमेंट बोल दिया था कि हो सकता है मार्केट में करेक्शन आ जाए, लेकिन कभी नहीं बोला मैं करेक्शन आ जाए, ट्रेंड रिवर्सल की कोई संभावना अभी भी नहीं है। लेकिन वो एक बेस्ट पार्ट हुआ कि 3:30 बजे के बाद वीडियो अपलोड हुई थी, और कल जो सोमवार के बाजार खुले थे वो हायर लेवल पे खुले थे, तो किसी को उस स्टेटमेंट की वजह से नजरिया नहीं बदला होगा, क्योंकि गैप अप ओपनिंग हुई तो ऑब्वियसली अपने ध्यान के अगेंस्ट में हुई, और ध्यान के अगेंस्ट में हुई तो आप लोगों ने कहीं कोई मंदी नहीं की होगी। बात करूंगा आज के लिए कौन से स्टॉक लिए थे। रिलायंस इंडस्ट्री को बाय करना था 1955 के आसपास, 1972.50 का लो पोस्ट किया है, एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। HDFC बैंक को बाय करने का था 1423 के आसपास, 1455 का लो पोस्ट किया है, एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। अल्ट्रा सेमको को बाय करने का था 6450 के आसपास, 6450 के आसपास बाय करने का था, आज का लो पोस्ट हुआ है 6562 का, यहां पर भी एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। बजाज फिनसर्व को बाय करने का था 220 के आसपास, 290 का लो पोस्ट किया, यहां पर भी एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। कैसे एग्जीक्यूशन होते, बाजार खुले ही टॉप पे थे। अगर आप लोगों को याद होगा तो वो टेम्पर में ये भी कहता था अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए HDFC बैंक बाय करना है तो 1420-1400 के लेवल बहुत अच्छे लगते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। जिस किसी ने भी HDFC बाय किया होगा,
आज कम से कम 5-6% का गेन एक महीने के अंदर, मौज ही मौज। चलिए बात करूंगा कल के लिए कौन से स्टॉक्स नजर आ रहे हैं। ट्रेंड के अगेंस्ट में कामकाज कर रहे हैं लेकिन सिर्फ टेम्पररी है। मैं जितने भी कॉल्स देता हूं सारे एनएससी इक्विटीज के होते हैं, एनएससी इक्विटीज के होते हैं तो बाय डिफॉल्ट आप लोगों को इंट्राडे में काटने होते हैं, और अगर आप लोगों को इंट्राडे में काटने होते हैं तो स्वभाव कोई गुंजाइश नहीं बनती कि आप लोग इसको कैरी करें। सारे सेल के कॉल हैं, अगेंस्ट द ट्रेंड कॉल है, लेकिन करेक्टिव फेज में करेक्शन आ सकता है, छोटे छोटे स्टॉप लॉस है तो चिंता की कोई बात नहीं है। SBI बैंक को सेल करेंगे 388-389 के आसपास, 390.05 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, 378 तक के टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। दूसरा स्टॉक होगा हमारा भारतीय एयरटेल, भारतीय एयरटेल को सेल करेंगे 543.50-545.20 के आसपास, 550.05 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, 522 के टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। तीसरा स्टॉक होगा हमारा सिप्ला, सिप्ला को सेल करेंगे 891-894 की रेंज में, 896.10 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, 873 तक के टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। चौथा स्टॉक होगा हमारा टाटा स्टील, 1195 रुपए के आसपास सेल करेंगे, 1210.10 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, 1158 रुपए तक के टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। सिप्ला, टाटा स्टील, भारतीय एयरटेल बढ़िया मोमेंटम दिखा रहे हैं, इंजॉय करिए। अपन जितनी भी कोशिश कर रहे हैं एकदम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों में से अगर कोई पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़ा है तो कृपया करके आप लोगों के लिए निवेदन है कि जुड़ जाइए, क्योंकि जो भी वीडियो में बातचीत कर रहा हूँ उससे पहले अगर कहीं पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है या फिर कहीं एग्जिट करना है उसकी रणनीतियों का अपडेट चाहिए तो पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो भी बात मैं वीडियो में करता हूँ उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट निकल के आती है तो मैं पब्लिक टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर देता हूँ। तो ये थे हमारे कल के लिए 4 स्टॉक्स। अब बात करूंगा मैजिकल फिगर की। 14815 का मैजिकल फिगर आज के लिए था, अब वो मैजिकल फिगर हो चुका है 14880 का, बढ़िया बढ़ोतरी, करीब करीब 60-65 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है निफ्टी के मैजिकल फिगर में। मैजिकल फिगर क्या होते हैं? मैजिकल फिगर हमारे ऐसे फिगर होते हैं जिसके नीचे चलेगा बाजार तो होगा मंदा, जिसके ऊपर चलेगा बाजार तो होगा तेज। तो जब तक 14880 के लेवल को ब्रेक नहीं करता, और इनफैक्ट 14800 एक्सट्रीम लेवल ले लेते हैं, जब तक 14800 के नीचे नहीं जाता तब तक मंदी एक्सपेक्ट नहीं करना है, वरना लेने की देने पड़ सकते हैं। 33,065 का मैजिकल फिगर था बैंक निफ्टी का, आपको मैजिकल फिगर हो चुका है ऑल टाइम 33,333। मैजिकल फिगर के नीचे जब तक नहीं जाएगा तब तक बाजार होगा नहीं मंदा, कोई भी अगर डाउनफॉल आता है तो वो सिर्फ एक करेक्शन होगा। ओवरऑल शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के हिसाब से बाजार तेज है। वापस से बोलता हूँ, नीचे का लिया हुआ माल नहीं काटना है, बच्चों के लिए छोड़ दो। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो जाते जाते प्यार मोहब्बत भरा लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी मेरे द्वारा बताई हुई रणनीतियों को एग्जीक्यूट करके बना सके मुनाफा। उन लोगों के साथ जरूर शेयर करिए जो कहते हैं इस मार्केट से पैसा बनता ही नहीं है, या उन लोगों के साथ शेयर करिए जो लोगों ने अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई इस मार्केट में खो चुके हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी सारी सोशल मीडिया की लिंक होती है, स्पेशली पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ जाइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही कुछ कंपनियों के अकाउंट ओपनिंग के लिंक होते हैं, आप चाहें तो उन्हें क्लिक करके हम कोई किसी भी कंपनी के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और साथ ही में पा सकते हैं कुछ एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स। उसके लिए आपको इंटेलिसिस के कस्टमर केयर में संपर्क करना होगा। मिशन वन मिलियन सब्सक्राइबर का पार्ट बनना चाहते हैं तो भी इंटेलिसिस के कस्टमर केयर से संपर्क करिए, वहां पर भी हम कोशिश कर रहे हैं कुछ बेनिफिट्स आप लोगों को पास ऑन किए जाए। ऊपर आई बटन में हमारे सारे पास्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक होते हैं, उन्हें भी देखिए ताकि हमें और अच्छे से पहचान पाए, हमें और अच्छे से समझ पाए जो लोग नए जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।